देश के तीन अहम राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर इस बात के संकेत दिए हैं। इससे पहले राज ठाकरे ने सोनिया गांधी से अपनी मुलाकात के दौरान भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। ईवीएम को लेकर राज ठाकरे का कहना है कि ईवीएम के खिलाफ उनकी पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि इस आंदोलन में कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी रहे। अब राज ठाकरे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी पहले ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सभी विपक्षी दल ईवीएम हटाने को लेकर आंदोलन खड़ा करने में जुटे हैं। 9 अगस्त को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान से ईवीएम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इन विपक्षी दलों की मांग है कि विधानसभा का चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से हो। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर लंबा मार्च निकाला जाएगा। 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। बता दें कि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विपक्षी दलों के ईवीएम के खिलाफ लामबंद होने से यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम को लेकर आवाजें उठ रही है। इस आंदोलन को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात कहा कि हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर से मतदान हो। थोरात ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूरे देश में चर्चा है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का काम है कि वह सबकी शंका दूर करें। ऐसे में हम ईवीएम के बजाय फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस मांग का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं सेट्टी ने कहा है कि चुनाव के बाद मतदाताओं के बीच ये संदेह पैदा हो गया है कि उनका वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार को नहीं गया है। सेट्टी आगे बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखे, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। राजू सेट्टी 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन इस बार वह शिवसेना के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। सेट्टी ने लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटों पर ईवीएम में पड़े वोट और उसके बाद हुई उनकी गिनती में अंतर था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 459 वोट का अंतर था। चुनाव आयोग से शिकायत करने के बावजूद मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।